हमारा नव वर्ष है, उसे हमें अवश्य मनाना चाहिए। कैसे मनाना चाहिए? तो आप तो आजकल लोग पंचांग को देखते नहीं, पंचांग पढ़े तो नया पंचांग भी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही आरंभ होता है। अब उसमें सबसे पहले लिखा रहता है पारिभद्रस्य पत्राणि कोमलानि विशेषतः सपुष्पाणि समानीय चूर्णं कृत्वा विधानतः मरीचिर लवणं हिंगु जीरकेण समन्वितं अजमोदायुधं चैव भक्षयेत् रोगशान्तये। आज की तिथि पर क्या करना चाहिए? सबसे पहले बोले पारिभद्रस्य पत्राणि। पारिभद्र माने होता है नीम, नीम की कोमल कोमल पत्ती, उसके फूल के सहित अर्थात उसकी मंजरी के सहित कोमल कोमल पत्ती को ले आवे, उसको जल से धो करके फिर सिलोही पर रख करके चूर्णं कृत्वा विधानतः उसको बढ़िया से उसको पीसे और उसमें काली मिर्च, सेंधा नमक, मरीचर लवणम, हींग हींग, जीरा और अजवाइन, इतनी चीज डाल करके खूब बढ़िया से उसको मर्दनम गुणवर्धनम, क्या मर्दनम गुणवर्धनम, जितना उसको महीन पीसेंगे उतना उसका गुण बढ़ जाएगा। और उसको फिर ठाकुर जी को भोग लगाकर आज खाली पेट सबसे पहले इतना है, एक तोला के लगभग यही नीम का जो बनाया हुआ औषधि है इसको ही लेना चाहिए, बढ़िया स्वाद ले लेता। हमारे यहां वृंदावन में अयोध्या में आज ठाकुर जी को सबसे पहले यही भोग लगता है। अब थोड़ा रसिकों का भाव अलग होता है तो इसके साथ थोड़ा माखन मिश्री भी रखते हैं कि ठाकुर जी को कड़वा लगेगा, तो प्रार्थना कर देते भाई विधि है आपको खिलाए बिना तो हम खाएंगे नहीं, आप भी कड़वा पाइए और ज्यादा कड़वा लगे तो ये माखन मिश्री आपके लिए बनाई गई है क्योंकि माखन मिश्री को पा करके अपना मुंह का स्वाद ठीक कीजिए। तो हमारे वृंदावन में अयोध्या में चित्रकूट में जहाँ संतों की परंपराएं हैं वहां अपने मलुक पीठ में माखन मिश्री और ये दोनों ही भोग लगाते हैं। भक्षयेद रोग शांत है, तो ये इतना सुंदर योग है कि इससे भयंकर रोगों का शमन होता है और हम लोग प्रमादवश कर नहीं पाते हैं। यदि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से लेकर 41 दिन तक इसको खाली पेट नित्य ले तो पूरे वर्ष भर न बुखार होगा, न खांसी होगी, न जुकाम होगा, न पेट खराब होगा, किसी भी प्रकार का चर्मरोग तो शरीर में होगा ही नहीं। कुष्ठादि भी जो हो जाते हैं संभावना होती है उसके कीटाणु भी नष्ट हो जाएंगे, कैंसर तक के कीटाणु नष्ट हो जाएंगे। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।